नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, SBI से और भी बैंकें हैं, ICICI से, एक्सिस से, तो लोग जो है बिना जाने बिना समझे कार्ड को अपग्रेड कर लेते हैं। और इसलिए कर लेते हैं कि हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं सही तरीका क्या है क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने का अगर बैंक आपको ऑफर देता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों आपके पास जो भी कार्ड होता है, अगर वो कार्ड आपका लोअर कास्ट में, इसे कहने का मतलब है आपका जो कार्ड है उसकी ज्वाइनिंग फीस अगर ₹500 एनुअल है, तो बैंक जब भी कार्ड आपका अपडेट करेगा तो ज्वाइनिंग फीस वाला ऐसा कार्ड लाएगा जिसकी ज्वाइनिंग फीस ₹1,500 हो, वो उसको डाउनग्रेड नहीं करेगा। समझे ना, अगर 500 ज्वाइनिंग फीस है तो उसको डाउनग्रेड नहीं करेगा, जीरो नहीं करेगा वो। बैंक उससे हाई लेवल का ही कार्ड आपके सामने पेश करेगा जिसकी आपको ज्वाइनिंग फीस उस कार्ड में रहेगी। और बैंक वाले बेनिफिट आपको बता देगा कि इसमें आपको ए मूवी टिकट मिलेंगे, आपको इतना इंश्योरेंस मिलेगा, इतना खर्च करोगे इतना आपको वाउचर मिलेगा, सारी बातें मेंशन कर देगा। बट यहाँ पे लोग टर्म एंड कंडीशन समझते नहीं है, वाउचर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या इसके रूल है, क्या इसकी पॉलिसी है, लोग जान नहीं पाते हैं और क्लिक करेंगे कार्ड को अपडेट कर लेंगे। दोस्तों मैं अपना एक्सपर्ट रिव्यू शेयर करूंगा, जो मेरे संग हुआ वो मैं आपको बताऊंगा और काफी लोग के संग ऑफर आ रहे हैं और लोगों से पूछ हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका नीड क्या है, जो आपके पास कार्ड है उस कार्ड से आप क्या कर रहे हैं, उस कार्ड से आप शॉपिंग कर रहे हैं कि बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐड मनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप ट्रेवल अधिक करते हैं अपने कार्ड से, अगर आपको उससे अच्छा कोई हाई लेवल कार्ड मिल जा रहा है तो आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ओनली शॉपिंग करते हैं कभी काल, मान लो साल में एक दो बार शॉपिंग करते हैं, कोई मोबाइल परचेस करते हैं, या आप हमेशा पैसे ऐड में निकल के पैसा बैंक में लेते हैं, उसको EMI में कन्वर्ट करते हैं, तो इस हाल में आपको कार्ड को अपग्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका वजह जान लो। इसका वजह यह है फ्रेंड कि अगर जब कार्ड को आप अपडेट करोगे तो इसमें होगा क्या कि आपके कार्ड का जो एनुअल फीस है वो बढ़ जाएगा। उस कार्ड में आपको अलग अलग फीचर्स बैंक दे देगा, जो कार्ड एक काम कर रहा था पुराना वाला वही कार्ड वो भी काम करेगा। फर्क कितना रहेगा, कुछ फीचर्स बैंक उसमें ऐड करेगा, कुछ ज्वाइनिंग फीस बढ़ाएगा और उसमें कुछ चीज़ें आपको न्यू देखने को मिलेगी और यही सब कुछ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि उनको बैंक से कॉल आता है कि आपके लिए ऑफर है, आपकी लिमिट इंक्रीज कर दी जाएगी, कुछ बैंक के वाले लालच देते हैं। तो याद रखना, कार्ड जब भी आपका अपडेट हो रहा है तो 1 या 2% चांस में आपकी लिमिट को इंक्रीज की जाती है, बाकी तो लिमिट इंक्रीज नहीं होती है, सब कुछ वही रहता है। अगर आपका किसी कार्ड में EMI चल रहा है, कार्ड आपने अपडेट करवा लिया, सब कुछ उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप कार्ड से कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, ओनली कभी काल शॉपिंग करते हैं, बाकी ऐड मनी करते हैं, तो कार्ड को कभी भी आप अपडेट ना करें। और आपका काम बिजनेस पर्पस के लिए है, अधिक ट्रेवलिंग करना, अधिक घूमना आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा शॉपिंग बहुत अधिक करना है, आपको अधिक कैश बैक लेना ज़्यादा पसंद है, अधिक अमेजोन फ्लिपकार्ट इन लोग को अधिक यूज करना आपका पसंद है, आप महीने में 2-3 बार 4 बार करते हैं तो आप कर सकते हैं। बट इतना जान लीजिए कि अगर आप ये सब करते हैं तो टैक्स के अंदर में आप आ जाते हैं। कार्ड अपने यूज किया, जो पेमेंट किया उसका एक टैक्स बनेगा, आपको पे करना पड़ेगा, तो हर तरीके से आपका लॉस जाएगा। तो मैं अपना सलाह दूंगा पर्सनल, आपको एक ही बात कहूंगा, पैसे आपके पास अगर आ रहे हैं तो डेबिट कार्ड से आप सामान परचेस कर लें, क्रेडिट कार्ड को आप जो है अपना जो है सेकेंड ऑप्शन में आप रख लें, फर्स्ट में डेबिट कार्ड रखें, क्योंकि देखो ये लोन है, जितना खर्च करोगे उतना आपका टैक्स बनेगा, आपको पे करना पड़ेगा, और ऊपर से आप कार्ड को अपडेट करते हैं तो ज्वाइनिंग फीस आपका बढ़ेगा। तो आप बताना कैसे लगा आपको ये वीडियो, और मैंने अपने कार्ड को जल्दी अपडेट नहीं करता हूँ, दो ही कारण बताया आपको जो आप जान पाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।